ध्यायाण नमो लोई सब साहून। नमः शमय साराय सानुभूत्या चकास्ते चेष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। पढ़ी छन पढ़ी सातवा छन संस्कृत में हे देव, हे देव, सहज तेज से अत्यंत भरे हुए होने से आप भाव रूप है, सत्ता रूप है और पर पदार्थों के विभव से शून्य होने के कारण आप अभाव रूप है। इस तरह आप अभाव रूपता को प्राप्त होकर भी भाव रूप प्रतिभासित होते हैं और भाव रूप होकर भी वाह्य पदार्थ की अपेक्षा अभाव रूप है प्रतिभासित होते हैं। ठीक है, छंद और पढ़ लो फिर भावार्थ करेंगे। सहज तेज से भरे हुए हो अतः आप हो भाव स्वरूप, पर है भव से शून्य अतः निर्भर हो सदा अभाव स्वरूप। हो अभाव मैं किंतु भाव मैं प्रतिभाषित होते हो आप, भाव रूप हो कर भी पदार्थ अपेक्षा आप अभाव। यहाँ अस्थि नास्ति रूप धर्मों द्वारा जिनेन्द्र का स्तवन करते हुए उन्हें भाव रूप, अभाव रूप, अभाव भाव रूप तथा भाव अभाव रूप प्रदर्शित किया है। अभी चल रही तुम्हारी कक्षा सप्तमी चल रही है, भाव अभाव, हाँ उसको भी समझ लेना। आप अपने सहज शुद्ध त्रिकालिक ज्ञायक स्वभाव से भाव रूप हैं तथा पर पदार्थों के व्यवहार से रहित होने के कारण अभाव रूप है। पर व्यवहार से रहित तथा निज व्यवहार से सहित इन उभय अपेक्षाओं से आप अभाव रूप होकर भी भाव रूप प्रतीत होते हैं तथा निज व्यवहार सहित व पर व्यवहार रहित युगपत अपेक्षा से आप भाव रूप होकर भी अभाव रूप प्रतिभाषित होते हैं। या तो हुआ नहीं हो, बस बहुत सरल है। दो बातें हैं और दो बातों को दो और बना दें, बोलो एक ही बार में समझ जाओ, एक ही बार में चार लाइन आएंगे, पांच लाइन एक साथ समझ जाओ।
सोना को देखते हैं तो सोना ही सोना दिखाई देता है, सोने में चांदी बिल्कुल दिखाई नहीं देती। सोना ही दिखता है, चांदी नहीं दिखती, और चांदी नहीं दिखती सोना ही दिखता है। चार भंग बनाया उसको, समझ इतना अब तो याद हो गया थोड़ा सा। ओहो, आप भाव स्वरूप हो। अब ध्यान रखना, आप कह रहे हैं तो निश्चय से व्यवहार से दिए, उनको कह रहे हैं तो आप माने स्वयं हो रहा है। हे प्रभु, आप अनादि अनंत ज्ञायक भाव रूप हो, अनादि अनंत ज्ञायक हो, जीव हो। अपने लिए बोलो, मैं अनादि अनंत भाव रूप हूं, माने जीव हूं, आनंद मूर्ति हूं, ज्ञायक रूप हूं, ज्ञान रूप हूं। ये भाव रूप। अभाव रूप क्या हो गया? पर का अभाव है, पर का सोना चांदी मिक्स करके गहना बनाया, लेकिन सोने में चांदी का अभाव है, सोने में चांदी बिल्कुल नहीं आया। सोना और चांदी का गहने को गर्म किया तो चांदी भी गर्म हुई, लेकिन चांदी की गर्मी के कारण सोना गर्म नहीं हुआ, अग्नि के कारण गर्म नहीं हुआ, चांदी के अनुसार गर्म नहीं हुआ। आप सोना का गर्म होना ये सोना का स्वरूप है। अभी समझ में कुछ नहीं आया होगा, सोना अपने स्वरूप से गर्म हुआ है, चांदी के कारण नहीं हुआ, अग्नि के कारण नहीं हुआ। ऐसा कहने से हमें सोने की महिमा आती है। सोने के ऊपर किसी का कर्तव्य नहीं है, बोझ नहीं है, भार नहीं है, और सोना गर्म होने के लिए अपंग नहीं है। सोना मतलब सोना क्या ऐसे आत्मा मोक्ष जाने के लिए अपंग नहीं है, और संसार सागर में रखड़ने के लिए भी अपंग नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी स्वयं की भाव शक्ति है। भाव शक्ति समझ में आया कुछ? आत्मा सुख में, दुख में और मोक्ष में स्वभाव है उसका। समझ में आया कुछ? आत्मा में दुखी होने का स्वभाव है, दुखी होना भी कोई पढ़ने नहीं किया है। आत्मा दुखी नहीं होना चाहे तो कोई कर ना सके, इससे क्या फायदा होगा? कि आत्मा में जितना पढ़ने वाले वो आत्मा का व्यवहार है। ऐसा हमने तो सुना था आत्मा राग द्वेष नहीं करता, क्या नहीं नहीं करता? वो ध्रुव की तरफ से कह रहे हैं, यह जीव द्रव की बात चल रही है, यह प्रमाण की बात चल रही है। प्रमाण माने समग्र, अभी चल रही थी प्रमाण की बात, चल रही थी प्रमाण की, सुन रही थी? मुझे प्रमाण में कुछ कहना है थोड़ा सा आपको, उसी समय क्लिक हुआ था, मुझे सुन रहा था कि प्रमाण, प्रमाण का मतलब है कभी दुखी नहीं हो सकते आप। प्रमाण का ज्ञान हो तो आप कभी दुखी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? यदि पर्याय का स्वरूप मालूम है तो द्रव का स्वरूप भी तो मालूम है, इसी का नाम तो प्रमाण है। प्रमाण मतलब वस्तु का पूरा स्वरूप मालूम है। मुख्य गुण करना ये नए का काम है, और समग्र को जानना ये प्रमाण का काम। बताओ कैसे दुखी हो जाए? भूख लग रही है तो रोटी भी तो है, दुखी क्यों हो जाएंगे भूख लगने से? मोह है तो मोह का अभाव करने वाला भगवान आत्मा भी तो है, ये समग्र ज्ञान। आगे समग्र स्वरूप का ज्ञान। हाँ, मिथ्या 70 कोड़ा कोड़ी है तो उसका अभाव करने वाला भगवान आत्मा, इसका नाम है प्रमाण का ज्ञान। अभी चला था ना प्रमाण, नहीं वही है जो है आध्यात्मिक शैली, नहीं वो है ही, उसका मतलब ही ये। पति पत्नी में झगड़ा होता है तो छोड़ के क्यों नहीं चली जाती? क्योंकि उसे और भी पता है, और भी पता है, उनका स्नेह भी पता है, उनका सोना चांदी देने का गिफ्ट भी पता है, और कितने इलाज कराते हैं और कैसे वो सब चीज का ध्यान रखते हैं वो भी तो पता है उसको। पति पत्नी अधिष्ठान दिया, अब गुरु शिष्य में लगा, शिष्य ने तांड है, हटो हटो यहां से, तो इतना ही पता है ये मिथ्या दृष्टि है, उसे समग्र पता है, तब तो नहीं जा रहा वो।
तब तो नम्रीभूत है वो। नम्रीभूत कौन कर रहा है? प्रमाण ज्ञान। ज्ञान को नम्रीभूत कौन कर रहा है? प्रमाण ज्ञान। भले ही नाराज हो रहे हैं, भले ही हमारी गलती है, भले ही हमें डांटा जा रहा है, लेकिन भगवान तो यही बनेगा। भगवान बनने का मार्ग तो यही मिलेगा और कहीं नहीं। जिस डॉक्टर से इलाज कराना वो कितना ही डांट दे, उसी डॉक्टर की बिना आती है। क्यों आती है? डॉक्टर की बिना इलाज से यही करेंगे और कोई नहीं बचाएगा। ऐसे पढ़ो प्रमाण ज्ञान। सच में हमें ऐसा लगता है भाववाचक से इतना सही पढ़ा, दो मिनट नहीं लगे। प्रमाण ज्ञान का स्वरूप पता, तबीयत खुश हो जाए। तवा गर्म है तो ठंडा होने का स्वरूप भी तो पता है, इसलिए तवा नहीं फेंकते। इसका मतलब विश्व में जहां जहां संकलेश नहीं होता वहां वहां प्रमाण का ज्ञान है आपका। विश्व में आप जहां जहां दुखी नहीं होते, संकलेशित नहीं होते, वहां वहां प्रमाण का ज्ञान है आपका। तुम्हारा 1 करोड़ का लॉस हो जाए, दुखी होगी कि नहीं होगी? चिंता मणि है। यदि 2 करोड़ का बीमा है तो कागु दुखी होंगे। ये है प्रमाण ज्ञान। तो प्रमाण ज्ञान का, प्रमाण का ज्ञान था और प्रमाण को अप्लाई करा, उसमें अंतर है जी। अप्लाई है ज्ञान ही, अप्लाई है। शब्द ज्ञान का नाम प्रमाण ज्ञान नहीं है, उसका नाम तो आभास है, प्रमाणाभास। उसका नाम तो प्रमाणाभास है, जो प्रमाण जैसा लगता है। मैंने आपको शब्द ज्ञान है, भाव ज्ञान नहीं है। प्रमाणाभास माने मिथ्या ज्ञान, और प्रमाण ज्ञान माने सम्यक ज्ञान। ये तो सम्यक है, इसलिए प्रमाण ज्ञान होना, ये प्रमाण ज्ञान की चर्चा है। मैंने हम जो कह रहे हैं ना जीव राग देश का करता, इसमें भी आनंद भरा है। हे मोह राग देश करता कह रहे आप, हाँ इसमें आनंद भरा है। हाँ है। अब सुनो, यदि कर्मों ने मोह राग देश करा होता तो फिर कर्मों की ओर देख के तो क्यों होती? अरे आका होता कर्मों ने राग देश करा दिया, अभी संयोग ने राग देश करा दिया, इतने सारे शिष्य हैं, अब ये सब दुखी कर रहे हैं। विश्व में सारे शिष्य मिलकर भी दुखी नहीं कर सकते, ये प्रमाण ज्ञान। जितना जितना राग है उतनी उतनी पीड़ा है। गरीबी हो, गरीबी घर में, और बनाने वाले को बहुत रुचि हो खाने पीने की, तो रोज कढ़ाई चढ़ा ले, फिर 3 दिन में कढ़ाई चढ़ा ले, फिर घी, फिर तेल, फिर ऐसे खर्च करे, तो बहुत झगड़ा होता है, बहुत झगड़ा होता है। क्यों? खर्चा तो लगता ही ना, घी तेल खर्चे होगा, शक्कर खर्चे होगी, तो झगड़ा तो होगा। तो जब झगड़ा होता है तो उसे खुद पर अपने आप गुस्सा आती है, काय को बना लिए, हम बनाए नहीं, हम का बताए, हम तो सोचा सबको अच्छे स्वाद लग जाए, सब अच्छे खावे मिल जाए, सब हम खिला दें, बढ़िया खुश कर दें खिला के, हमें डांट पड़ती और फिर बना लेती, और फिर डांट पड़ती है, फिर बनाती है, फिर डांट पड़ती। तो ये किससे हैरान है? डांट से हैरान नहीं है, बनाने की राग से हैरान। शिष्य को समझाने का राग ही दुख का कारण है। कैसे होंगे गुरु शिष्य को भी समझाने का भाव नहीं रखते? तो पता है जब काल लब्धि जाएगी तो अपने आप हो जाएगा तुम सब। इसका नाम गुरु बना, प्रमाण ज्ञान का नाम गुरु बना। बहुत सरल है ये है। तो गुरु शिष्य को नहीं पढ़ाएंगे तो अरे जितना राग है उतना पढ़ाती है। सुनना फिर से कुछ कह रहे, जितना पढ़ाते हैं वो गुरु बना नहीं है। क्या कह रहे? जितना राग है वो गुरु बना नहीं है, ना जितना पढ़ाते हैं वो गुरु बना नहीं है, वो तो कलंक है, चारित मोह है। चारित मोह है, गुरु बना तो 7 गुणस्थान का नाम है। गुरु बना 8 गुणस्थान का नाम है, गुरु बना 13-14 गुणस्थान का नाम है, गुरु बना सिद्ध पने का नाम है। ये तो चारित्र मोह है, लिखने का राग, पढ़ाने का राग। इसलिए ग्रंथों में लिखा है, भक्ति में लिखा है, भक्ति में, पर वो मुनिराजों के लिए
कि आपके राग से आपका अहित होता है लेकिन हमारा तो भला होता है। क्या कहा? आपके राग से आपका अहित होता है, हमारा भला होता है। सीमा जी ने तारीफ की है मुनिराजों की आहारचर्या की, मुनिराजों की आहारचर्या की प्रशंसा की है। प्रकरण तो वहां श्वेतांबर साधु का है, श्वेतांबर साधुओं में ऐसा लगता था मुंह पट्टी लगानी पड़ती समाज में रोटी लेने के लिए, यदि रोटी न लेना होती पेट के लिए तो मुंह पट्टी न लगाते, हम आपके पास रह जाते। अब कह मुंह पट्टी न लगाए तो कोई आहार नहीं देगा, इसलिए उन्होंने बहुत दुखी होकर रोते रोते कहा कि पेट लगाए, जो पेट नहीं होता तो हम आपके पास रहते होते। तो उन्होंने ऐसा कहा कि साधु जन को पेट दुख देता है, तो उन्होंने कहना, तो उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए पढ़ने लायक है, साधु जन का पेट श्रावक के लिए है। क्या यदि पेट नहीं होता तो नगर में कभी आती नहीं, तो उन 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 श्रावकों को आहार दान का अवसर कम मिलता, जिनवाणी सुनने का अवसर कम मिलता, तुम्हारी कमजोरी से प्रभाव ना हो रही, देखो तुम्हारी कमजोरी से प्रभाव ना हो रही। साधु का पेट श्रावक के भाग्य उनका जो पाप का उदय छोटा भेद नहीं, वो श्रावक का पुण्योदय है। दर्शन मिल जाती है मोक्ष मार्ग की, वाणी सुनने मिल जाती है, सेवा करने को मिल जाती है, और फिर कितने जीवों का भाग्य होता तो दीक्षा ले लेते हैं, कितने जीव सम्यक दर्शन ले लेते तो प्रभाव न होगी, ऐसे यहां लगा लेने। सच्चा गुरु पना राग का नाम नहीं है, राग तो कलंक है। योग्य सास सुन रहे कुछ, योग्य सास लिखने का भाव कलंक है, अयोग्य तो लिखते ही नहीं है, अयोग्य तो लिखते ही नहीं है। अब सोचो किसका नाम है मुनि दशा और ब्रह्मचर्य, अपन इतनी अच्छी तस्वीर नहीं रखते दिमाग में, इसलिए गंदे भाव आते। मुनिपना और ब्रह्मचर्य किसका नाम है, अयोग्य भाव तो आते ही नहीं है, योग्य भाव भी कलंक लगती है। योग्य भाव माने राग, योग्य राग कलंक लगता है। तो गुरु का मतलब समझा है, गुरु समझाते हैं, भी गुरु नहीं है, भी तो उससे दुखी होती है, समझो मत समझो। अब दृष्टांत दे रहे थे हम, इसका दृष्टांत दे रहे, जैसे बच्चे का जन्म हुआ, अब वो घुटनों घुटनों चलता है, ज्ञान तो से है नहीं, कभी गर्म चीज छू लेता तो जल भी जाता है, चक्कू पकड़ता तो कट भी जाता है, घुटने घुटने चलता है गिर भी पड़ता है, तो माँ टेंशन नहीं लेती इसके, माँ टेंशन नहीं लेती, क्यों नहीं लेती टेंशन, समय पाने पर आने पर काल लब्धि, समय आने पर काल लब्धि होने पर ये अपने पैरों से चलेगा, अग्नि से ही बचेगा, एक दिन अपने आप ही बचेगा, अपने आप ही बचेगा, एक दिन घुटने टूटने से अपने आप ही बचेगा, इसे चिंता नहीं कर, गिरे कोई बात और निर्विकल, अब जो ये भगवान हमारे हम खा करें जाए नमो अरिंदर, कोई मंत्र मिल जाए जाए जल्दी बड़ो कर दें, जाके पैर खींच के बड़ो कर दें, मालिश करके बड़ो कर दें, बेचार कब तक गिरेगा, कब तक जाए घुटना मिटेंगे, कब तक जो अग्नि पकड़ेगा, और आज अग्नि की बात है हजारों चीजें हैं, जिन्हें कच्ची छू ले तो टेंशन नहीं करती, टेंशन नहीं करती, वो तो काल लब्धि आएगी सब होगा, समझा है। ऐसे गुरु शिष्य को दीक्षा देकर के उसकी काल लब्धि आएगी, हमें कोई मालूम नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेते, शुद्ध होकर में चले जाते, अब हम ऊपर बाहर आ गया, अभी तुम पढ़ाए हम क्या करें क्या नहीं करें, और तुम तो चाहे जो खाली, जैसे माँ बालक की टेंशन नहीं लेती, थोड़ा संभाला फिर खेलने लगे वो, फिर घुटने वाले सरकने लगा, ऐसे नहीं कि मैं बांध दिया हाथ पैर बांध के धरते से, वो अपने बड़ो हो जाए जब खोली हुआ पैर, अभी गिरा था फिर खोलने छोड़ अभी पकड़ लिया था उसने और फिर छोड़ दिया उसने। ऐसे ही गुरु शिष्य को समझाते हैं और फिर निश्चिंत हो जाते, मानो नहीं मानो तुम्हारी काल लग दिया जब मानो निश्चिंत हो जाते। ये है मुनिराज का स्वरूप, ये है ब्रह्मचर्य का स्वरूप, यह है सहज जीवन हमारा, किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं लेना।
इसका नाम है। अब देखो अब तो प्रमाण ज्ञान पढ़ रहे और क्या क्या निकल आया फिर यहाँ से रसधार फूटनी चाहिए मैं चर्चा में। प्रमाण ज्ञान है प्रमाण ज्ञान लड डाला हो कुछ पता ही नहीं लगा प्रमाण ज्ञान से प्रमाण माने समग्र ज्ञान पूरा ज्ञान संपूर्ण ज्ञान माने पूरा ज्ञान हो जाए द्रव्य का गुण का पर्याय का सारा ज्ञान का नाम प्रमाण ज्ञान वस्तु स्वरूप का पूरा ज्ञान हो गया उसको उस संबंधी जैसे साइकिल चलाना है तो साइकिल चलाना आप जब ही चलाओगे जब सबका ज्ञान हो जाए ब्रेक लगाने का भी आना चाहिए पैडल मारने का भी आना चाहिए बैलेंस करना भी आना चाहिए। अब एक चीज आ जाए मान लो हम तो पैडल मार ले तो नहीं चला पाओ हम ब्रेक तो लगा ले कि नहीं बैलेंस करना भी आना चाहिए आपको समग्र ज्ञान होगा तो साइकिल चलाओगे। साइकिल गिर क्यों जाती है चलाने वाले से शुरू शुरू में चलाता है बच्चा तो प्रमाण ज्ञान नहीं बन पाता उसका। पैडल मारना सीख गए तो यार खुश होने लगता पैडल ऐसे में गिर पड़ता है बैलेंस बना नहीं पाया पैडल भी मारना है बैलेंस भी करना है स्पीड भी लेनी है ब्रेक भी लगाना है और सामने से आने वाले बाहनों को भी देखना है उसका भी डिसीजन करना है कितना इधर सरके कितना ऊपर सरके और कब इधर आए कब इधर जाए और कब ओवरटेक करें कब नहीं करें एक्सीडेंट क्यों हो जाता है उन्हें ये नहीं लगता कि सामने से कोई वाहन आ रहा है ओवरटेक का ओवरटेक कर बैठे वो इसलिए ऐसे चल रहा था कि सामने से आने वाला वाहन इधर आने वाला तो वो ऐसा हो गया जो ओवरटेक पे ओवरटेक कर बैठे। मैंने ज्ञान होना चाहिए हर चीज में लगा शास्त्र पढ़ते से प्रमाण ज्ञान होना चाहिए। हम तो इसलिए कह रहे ये पर्याय में दुख है तो दुख दूर करने का कारण भी तो पता है यदि उसे पर्याय में सुख चाहिए तो सुखी होने का कारण भी तो पता है इसलिए ना तो उसे सुख की आकुलता होती और न दुख दूर करने की आकुलता होती निर्विकल्प हो गए जे जय ध्रुव दृष्टि से निर्विकल्प दुख दूर करने की भी आकुलता नहीं।, दूर करने की नहीं होती क्यों स्वयं होगा तो समय की योग्यता से होगा काल लब्धि पाकर होगा पांच संभाव पाकर होगा ध्रुव के आश्रय से होगा खत्म ध्रुव जाना स्वास्थ्य हो गए कुछ पीड़ा ज्यादा नहीं कुछ ज्यादा नहीं भावना तो कच्छ नहीं ये जितने जे है ना सब भावना जे सब चारित्र मोह है काम नहीं करना पड़ेगा चारित्र मोह ध्रुव का आश्रय ही करना है केवल ध्रुव का आश्रय मैंने इतना समझो मैं ध्रुव हूँ ध्रुव का मतलब अकर्ता ध्रुव मैंने कुछ करना नहीं इसे पर्याय में भी कुछ नहीं करना हम पूछ रहे हैं जैसे बच्चा है इसे अपनी दाढ़ी मूछ लाने का कितनी आकुलता है नहीं कुछ करना तो पड़ेगा पता लग गया कि नहीं है तो क्या करना पड़ेगा तो ये जानते हैं ये अपने आप आती समय पाकर आती है अब इसे आकुलता नहीं करता इसका नाम है ध्रुव का आश्रय पर्याय के नाम पर ध्रुव का आश्रय माने पर्याय करने का विकल्प नहीं करना इसका नाम ध्रुव का आश्रय मूछ लाने का कोई आकुलता मत करो इसका नाम है ध्रुव का आश्रय आती है वो तो आएगी अब क्या करो नहीं होती होती नहीं है विकल्प तो आती है मूछ नहीं आई नहीं मूछ निकालने की कोशिश नहीं करता नहीं तो दर्शन मुंह बन जाए जो ज्यादा प्रश्न करता है फिर मम्मी क्या समझाई डॉक्टर क्या समझाए भाई समय से आएगी उत्तर क्या दिया समय से कहा लब्धि है ऐसा समझाता हुआ कोई करो हमें समय दर्शन कब होगा कब होगा कब काल लब्धि से होगा तुम तो ध्रुव का निर्णय करो बैठे रहो ध्रुव का निर्णय करके आ जाएगी तुम बस तो कुछ नहीं करो कुछ नहीं करे कुछ नहीं करो रोम आ जाते हैं रोम सो हमारी सर्विस में सर एक लड़की नौकरी करती थी तो क्लीन करने के लिए वो कर लिया वही रेजर फेल ली पिताजी की फिर रोम आ गए फिर कर लिया और करते 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 पूरे भी दाढ़ी में जा गई अब वो बेचारी अब और अब लग रही दुख अब दुख लगने लगा उसको अरे ये अपन क्यों फेरा अब बनाना कंपलसरी हो गया उसको शादी नहीं हुई बहुत बेचारी दुखी बनी स्त्री तो पुरुष के लिए भी देखो एक बार अज्ञानी क्या करते हैं उनकी बेजाने लेकिन इसके लिए कोई उपाय करने की जरूरत नहीं काल लब्धि है ना समय से होगा
मरीज बार बार पूछे भूख कब लगेगी भूख कब लगेगी, अरे तुमसे कह रहे हैं दवाई खाओ आराम करो, तुम्हें भूख अपने आप लगेगी जब पता लग जाएगा। काल लग दी है उसकी, हम कैसे बताएं 10 घंटा बाद लगेगी 12 घंटा की 24 घंटा की 4 दिन बाद, तुम्हें खुद ही भूख लगेगी जब पेट सही होगा, पेट सही होगा तुमसे रहा ही नहीं जाएगा, तुम क्या होगा हमें भूख लग रही है हम दे दो हमें कच्ची, और भूख नहीं होगी ना पेट खराब होगा आपको, हम कहेंगे तो अनमने मन से ले लोगे, आदत से ले लोगे लेकिन मन से नहीं लोगे प्रसन्नता से, ये दृष्टा है। चलो आगे तो भाव रूप अभाव समझ गए, आत्मा अपने चेतन वैभव से भरपूर है इसका नाम भाव शक्ति, भाव स्वरूप या भाव स्वरूप का आविष्कार करो, अपने सम्यक दर्शन प्रकट करने के स्वरूप से सहित है, मिथ्यात को दूर करने के स्वरूप से सहित है, जो जो तुम चाहते हो सबसे सही है, कुछ करने ही नहीं, करने से कुछ करना नहीं, करना माने आकुलता, सहज परिणमती वस्तु में क्यों कर्ता बनने जाते हो। अजय ये बताओ इतने शरीर में तुम काय काय करता हो, आंख के बालों के इधर के बाल इधर के बाल इधर के बाल रोम के बाल जी जी काय काय करता, जब इतनी बड़ा देह इसमें असंख्यात सेल्स हैं और बहुत सारे ऑर्गेन्स हैं, इन सब की चिंता करे बिना जी बढ़ते हैं परिणमते हैं तो आत्मा में नहीं हो सकता ऐसा, आत्मा में भी ऐसा जैसा इतने पुद्गल द्रव्य जैसे परिणमने में समर्थ है अपने वैभव से तो आत्मा नहीं, इसलिए कोई विकार दूर करने की चेष्टा नहीं रही और निर्विकार होने का विकल्प नहीं रहा, निर्विकल्प हो गए जी है निर्विकल्प। ऐसा साधक के उदय में तो लगता है बड़ा साधक जी, तुम्हें नहीं लगता होगा, ज्ञानियों की बात चल रही है, जो इसका निर्णय कर लेते हैं जो ऐसा स्वरूप देख लेते उन्हें नहीं लगता। उदाहरण जी उदाहरण जी उदाहरण, अब तुम लोग हमारी बात बुरी क्यों लगती, गुस्सा क्यों हो जाते हैं भाई साहब, हम तो गुस्सा हुए भी चिंता नहीं, हमने कभी नहीं कहा आज के बाद गुस्सा नहीं होगा, तुम लोग झूठ बोलते आज के तुम गलती नहीं करेंगे, हम क्या तुम करोगे, तुम पर्याय करता कैसे बन गए, हमें स्वरूप पता है तो हमें कभी ना हमारे बेकारी परिणाम की टेंशन होती और ना तुम्हारी भी नहीं होती, नहीं तुम झूठ बोलते हुए बहुत बुरा, इससे तुम्हारा मोक्ष मार करना आसान है, आप ये क्यों कह रहे हमें नहीं होगा हम नहीं करेंगे अब नहीं करेंगे, तुम करने वाले होते कौन हो, तुमसे पूछ के होता है विकार, ये तुम्हारी बुद्धि से विकार होता तो एक भी ना करता विकार, तुम्हारी बुद्धि की बिल्कुल नहीं चलती एक भी पर्याय में नहीं चलती, दूर मत जाओ केवल ज्ञान तक की एक पर्याय में नहीं चलती, केवल ज्ञान तक की नहीं चलती, तुम क्या कर लोगे, तीन लोगों में तो नहीं चलती केवल ही भगवान की, अपनी केवल ज्ञान की पर्याय में नहीं चलती, अब क्या करना वहां की रहा बाकी क्या रहा, बस निराकुल हो जी कह रहे निर्विकल्प हो गए, इसलिए वो सम्यक दर्शन हो गया उसका, समय से पहले आप फल तोड़ रहे फिर कह रहे हैं हटाए नहीं, बिल्कुल सही पर्याय हो, कच्चे फल तोड़े उसके हटाने की पर्याय तो सही पर्याय है, हमें कोई अब गिल की थोड़ी उपदेश देना पड़ेगा, अब एक काम करो अपन सब बुद्धि लगा जाए मीठी कर लो, कैसे कर लो, समय पर ही होगी, अब वो समय पर ही होगी, इसलिए कह रहे छोड़ दे तुम तो आए, जब हम नहीं पकाएंगे इतनी सारी गिल की कैसे पकेंगे, अरे भी अपने आप पकेंगे, शुक्ल से कहती तोड़ो भी मत अपने आप टूटेगी, जमीन पर गिरे हुए फल उठा लेना, ये ऐसे कैसे टूट जाएगी, हम तोड़े जब तो खिंच रही बैल जी से क्या कच्ची है तो बैल तुम खींचोगे तो ताकत हो सकता है बैल ही टूट जाए, इतनी ताकत होती है पकड़ में, और जब उसका समय आता है यहां से झड़ के नीचे गिर जाती है, उस समय सहज रखने के लिए भी तो पुरुषार्थ है जी, पुरुषार्थ इसी का तो जी चले चले जी पुरुषार्थ करो कि भाव स्वरूप है, केवल ज्ञान भी कुछ नहीं कर सकता तो हम क्या करेंगे, जी सोच के पुरुषार्थ के स्वरूप पुरुषार्थ मतलब जी पुरुषार्थ हम कुछ नहीं कर सकते तो केवल ज्ञान भी कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे, अभी इतने दृष्टा नहीं इतने बड़े शरीर में जब कुछ करने का विकल्प नहीं तो निर्विकल्प चल रहा है परिणम नहीं, निर्विकल्प परिणम रहा कि नहीं पूरा पूरा शरीर तो फिर आत्मा कहा नहीं परिणम सकता, इसके असंख्यात रोम परिणम सकते तो असंख्यात प्रदेश क्यों नहीं परिणम सकते,
इसलिए वस्तु स्वरूप का निर्णय ही पुरुषार्थ, वस्तु स्वरूप का निर्णय पुरुषार्थ। अब करो मस्त रहो, हमें जैसे टेंशन नहीं होती, ये आप तो हम तो सोच रहे आप बहुत दुखी हो, तो कहा दुखी, मन कैसा है वो दुखी हुए, अरे अब जिनकी नजरों में गिर जाएंगे, कहा गिर रहे तुम कहा जानो हमें, तुम जैसे क्रोध मान, हम तो तुम क्रोध तो हमें कहते तुम क्रोध करते, हम उसे क्रोध नहीं मानते, और क्रोध हमें मालूम कौन सा है, तुम तो उसे जानते ही नहीं जिसको हम क्रोध मानते। बोलो ये क्रोध के चार भेद, अब बोलो इनको घटा के बताओ। आत्मा की रुचि नहीं है, आत्मा की स्वतः जानने की रुचि नहीं है, आत्मा का अकर्ता जानने की रुचि नहीं है, आत्मा को निर्दोष जानने की रुचि नहीं है, ये है क्रोध। अनंतानुबंधी वो भी तुम हमें बुरे लगते हो, हमने एक थप्पड़ मार दिया, उसका नाम अनंतानुबंधी नहीं। परमाणु बम पटक दिया, इतने लोग मर गए, इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध नहीं। अब बोलो तुम क्या मानते हो, जगह नॉर्मल की तो चढ़ानी का प्रश्न, एक सेंटेंस में आप बोले थे चारों अनियों को लगा सकते, हाँ लगाऊं चारों अनियों, मैं उसका खाने वाला नहीं हूँ, ऐसा जाने तो अनंतानुबंधी खत्म, खा लेंगे क्यों, इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है अवक्ष की, पता ही ना हो। अरे फिर वही बात, अवक्ष का पता लग गया तो फिर क्यों खाएगा वो, और अवक्ष का पता नहीं तो उसे कोई दोष नहीं लगेगा। चरणानियों में कोई दोष नहीं लगे, द्रव्यानियों की जरूरत तो केवल इतनी है कि शुद्ध घी भी खाते हैं अटपेरा, उसका भी खाने वाला देखने ही अनंतानुबंधी। शुद्ध घी का भोगता हूं ये अनंतानुबंधी पाप है, समझ रहे। और अप्रत्याख्यान क्रोध क्या है, कि तुम 6 महीने के अंदर अंदर आत्मा, 15 दिन के अंदर अंदर आत्मा का अनुभव नहीं करते, जे है अप्रत्याख्यान क्रोध। 48 मिनट के अंदर अंदर आप मैं भगवान हूं ऐसा अनुभव नहीं करते, निर्विकल्प अनुभव नहीं करते, जय है वो प्रत्यक्षान भरे, और क्षण क्षण में कंटिन्यू आत्मा में लीन नहीं रहते, ये है संजीवन। क्षण क्षण में तो वेदन कर रहे हो लेकिन कंटिन्यू नहीं कर रहा है, इसका नाम संजीवन क्रोध है। बता तुम क्रोध किसको मानते, तुम तो चिल्ला चौट जरा जोर से बोल दिए उदास हो गए, भैया भाई पंडित जी दुखी है, बहुत बढ़िया तुम्हें पाप लग रहा है मिथ्या का। समझ में आ रहा है, पाप गुणस्थान प्रमाण दोष को दोष कहोगे तुम्हें पाप लगेगा, अपने गुणस्थान प्रमाण दोष तो देखो पहले, तुम कैसे गुरु चाहते थे, कि हम एक माँ थी उसने 4 गतियों करना नहीं पढ़ लिया, भैया चिल्ला चौट कर वैसे नरक जात, सो उसका बच्चा जहर खा रहा था, उसने बड़े धीरे से देखो बेटा मत खाओ न मोरी इंता है, वो खा गया और मर गया बेचारे। तो माँ बड़ी शांत रही, भैया हमें क्रोध नहीं करना, हमें दुखी नहीं होना, हमें कसार नहीं करने, नरक नहीं जाने, अब बच्चे किस्मत जहां जाना चला गया हम क्या करें, ऐसे कहें सारी दुनिया माँ को दोष देगी। जैसे माँ एन के एन प्रकार किसी भी कीमत पर बच्चे को दोष नहीं करने देती, किसी भी कीमत पर दोष नहीं करने देती, ये है गुरु बना, कर्ता बना थोड़ी आगे, इसमें चारित मोह है, चारित मोह अभी कहा था ना, शिष्य का जो भला होता है वो चारित मोह से होता है। गुरु के लिए तो दोष है, मन तुम कैसा चाहते, हम तो तुमसे कह रहे तुम जी चाहे कुछ कहो ही मत, तो तुम ही मिथ्या दृष्टि हो जी, कह रहे तुम गुरु का स्वरूप नहीं जानते हो, शिष्य का स्वरूप भी नहीं जानते, तुम्हें तो रात को भी पानी पीने पी ले, गुरु बहुत अच्छी, गुरु जी बहुत बढ़िया है, तो भले यार नाव में छेद है, गुरु जी कुछ नहीं कहते, डूबेगी नाव, हमसे कच्ची नहीं कह रहे, हमसे तो कच्ची नहीं कह, तुम्हें बहुत डांट है, हमें कच्ची नहीं कह, जिनसे कुछ नहीं कह रहे या तो वो बेचारा दुष्ट है इसलिए कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि दुष्टों के बीच में मध्यस्थ वृत्ति होती है, दुर्जन में मध्यस्थ, दुर्जन है तो इसलिए कुछ नहीं कह रहे होंगे, ये समझने लायक नहीं इसे कुछ मत बोलो, अभी क्रोध करेगा लड़ाई झगड़ा करेगा इसलिए बोलो मदद।
गुरुजन मध्यस्थ हो जाते, मध्यस्थ माने बीतरागी हो जाते, तो हमारी भविता तुम जानो। कह रहे हैं तो माने करुणा है, तुम करुणा क्रोध समझते हो, तुम दुर्जन हो, और क्या कह दी। हमारा मतलब ये मिथ्यात्व है, आप गुरु को नहीं पहचानते, क्रोध को नहीं पहचानते, करुणा को नहीं पहचानते, अच्छा नहीं लगता। अच्छा 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 तो अज्ञान नहीं लगना चाहिए, अच्छा तो अज्ञान नहीं लगे। अब चेहरा तो खराब ही लगेगा, तो क्रोध का चेहरा तो खराब ही लगेगा। उस समय भी बोलो जैसे पिताजी पीट के चले गए बच्चे को और रोता है, तो मम्मी कहती फिर तुमने रुपये कहा निकाले, तुम्हें नहीं पीटना तो प्रतिज्ञा करो। पापा का उन्हें कहा मजा आ रहा मारवे में, पापा को कहा मजा आ रहा था मारवे में, प्रतिज्ञा करो आज का रुपये नहीं, फिर कहें तो हमें हमें मिला, आप भी मारे फिर हमसे कहना चोरी करना। अब देखो सर पापा को नहीं सुधारा, जब तुम चिल्ला चिल्ला के मार रहे थे हमें अच्छा नहीं लग रहा था, वैसे बच्चे को सुधार, ऐसे तुम अपने आप को सुधार, हम ऐसा मोह नहीं करेंगे, हम ऐसा राग नहीं करेंगे, ऐसी त्रुटि नहीं करेंगे। नहीं वो भाई साहब ही खराब है, हमें जरूरत है हम गुड़ मंगा लेते, अरे मंगावे से मिल जाता तो फिर सबको ही मिल जाता, त्रेंच की तैयारी है। कौन से गणित में लिखी बता ना, करणानियों की सम्यक दर्शन करके बताओ, करणानियों का सम्यक दर्शन मांगने से मिल जाता है। नहीं हमने तो इनसे कही थी, अरे इनसे उनसे तुम्हारी जो थी जुगाड़ लगवा दी, तुम कोई से कह दिए तो कहीं से आ जाए, कितना मन सोचते हम भौंद हुए, इनसे कह दिया हमने तुम मंगा दी। मुहिराज ऐसे भी ऐसी बात भी नहीं करते जिससे वो उपाय करे, संकेत नहीं मिलता। तुमकी बेवकू थोड़ी जब गुड़ नहीं होता अपने आप पूछ खावेगी गुड़, तो अपने आप पुण्य का उदय होता जाएगा, नहीं आना तो मत आओ, गुड़ के बिना हमाओं का बिगड़े हो। जी मैं सोचो ये मुहिराजों का गुण है, यहां से गुण वाली मुहिराज बनती और मांगने के गुण वाले त्रियांच में चले जाते और वहां भी वो भी नहीं मिलता, तुम क्या समझ रहे नहीं मिलता। हम सच कह रहे हैं, अभी गरीब महिलाएं होती हैं प्रेग्नेंट होती हैं, उन पर कहाँ रखे गोड़ो कहाँ लड्डू और कहाँ धरे हो जापे को सामान में तुम्हारे जो सब होते हैं जो ड्राई फ्रूट्स का को दे रहे, वही दाल रोटी सब्जी खा खा के और अपने रजा बेचारी। अब हमारे इतना सामान लगा हम तो नहीं खाते थे, क्यों नहीं खाते, ये गर्राना है हमारे पुण्य के उदय की सामग्री भोगो, अरे पुण्य के उदय में लात मारो, लात मारो माने उसका आग्रह मत रखो, ठोकर मारो तब आगे बढ़ोगे। कपड़ा उतारना मुनि पता थोड़ी, कपड़ा उतार देंगे फिर सह लेंगे बर्दाश्त कर लेंगे गर्मी में अच्छा सर्दी ठंड, ये तो फिर तुम एक इंद्री बनने की तैयारी कर रहे, जो ये सोचता हम सह लेंगे वो तो एक इंद्री बनने की तैयारी कर रहा है, वो तो वनस्पति भी सहती है भी सहती है पर्वत भी सहता है, ये सब सहने की मत सोचो, इतनी तैयारी करके जाओ निर्विकल्प रहेंगे, क्षण क्षण में आत्मा का ध्यान कर लेंगे, सोचो कर लेंगे निर्णय होगा अपने आप होगा वो ठीक है, ऐसा सोचो होगा तो होगा, इसमें क्या बात है। मैंने रस परित्याग इसीलिए तो होता है, किसी दिन नहीं है गुड़ तो अभी आकुलता नहीं, फिर डब्बा खमाने फिर इतने देखने फिर वहां देखे वहां मंगाओ जुगाड़ लगाओ, ये भगवान एक आधे शांति रखो, इतनी जी आकुलता रस परित्याग काय के लिए कराए, आज बुधवार इसलिए मीठा नहीं लेना, हमें मालूम नहीं बुधवार को लेते हैं मीठा मीठा मंगल को जो भी हो, आज मंगलवार इसलिए मीठा नहीं लेना, और फिर खत्म भाव से एक दिन आकुलता नहीं आई फिर ढूंढत पड़े। हमारा होता जब उस दिन भी ये ढूंढ रहे थे इन्हें मिला नहीं था इसलिए बेचे नहीं, फिर दूसरे दिन फिर तीसरे उपाय कोई उपाय सोचा हुआ, जब तो हमने कह भी दिया जब इसमें रखा है, हमें तो कम चीज होती चल तुम हमें कहाँ फर्क पड़े, बहुत सोचो भैया। देखो
अब ये बात किसी की व्यक्तिगत नहीं कह रहे और एक घटना की नहीं कह रहे, हम एक घटना कह रहे तो आप अनंत में लगा। सब में लगाओ, सब में, क्योंकि कर्णानियों की श्रद्धा है, मांगने से सब सामग्री नहीं मिलती है। कैसे क्या नहीं मिलती, हम तो ले आए, तुम्हें पता है असंख्यात गुनी उदीर्ण होने पर मिलती है, तब मिली वो। एक राजा किसी झोपड़े के सामने जाए, माई चार दाना शक्कर दे दे, अब दे देगी शक्कर, कोई मांगने से चार दाने शक्कर नहीं मिले तो हमने अपना राज्यपन राजापन गवा दिया। अब वो मन क्या बोलेगी, ये बेचारे महाराज आए हमारे सामने, चार दाना शक्कर मांगे हमने दे रहे, बेचारे बड़े खुश भाई। आप समझ रहे हैं, अब वो क्या कहेगी जिंदगी भर, वो सारे लोग समझेंगे वो क्या कहेंगे, मैंने तुमने अपनी प्रभुता खो दी। ऐसे तुम तीन लोग के नाथ हो, हम कई बार कहते मेडिटेशन करो, मैं तीन लोग का नाथ हूं। कई बार लोग कहते इसके बिना नहीं चलता, ऐसे इसके बिना नहीं चलता, हमने इसका उत्तर बहुत सोचा, इसके बिना नहीं चलता, सुनो अनादि अनंत इसके बिना चलता है, ये शरीर नहीं होगा तो भी अनादि अनंत रह लेंगे। बिल्कुल, कैसे क्यों कह रहे हैं, इसके बिना नहीं चलता, पैसा के बिना नहीं चलता, पैसा के बिना अनादि अनंत रह लेंगे, बोलो दवाई के बिना नहीं चलता, क्या कह रहे हो, दवाई के बिना अनंत रह लेंगे, मतलब टॉप उद्देश्य को देखो ना, छोटे उद्देश्य को क्यों पकड़ रहे, टॉप को पकड़ो। बहुत सोचना, हम तो बहुत सोच के बैठे, इसलिए कह रहे ठंडों में रजाई के बिना शरीर नहीं चलता कि आत्मा नहीं चलता, शरीर भी चलता है, मार गए से चलते ही मतलब मृतक कलेवर को रजाई नहीं होती तो क्या नहीं चलता, तो शरीर का भी चलता है आत्मा का, अरे इसके बिना समझ में, रजाई की मुझे तो जरूरत है ही नहीं, शरीर को भी नहीं, हाँ तो फिर ये परेशान कौन है, मोह, अरे इस पकड़ में आ गए जी आतंकवादी जी है, मुनि दशान बाधक, रस परित्याग में बाधक जी है मोह, अरे पकड़ में आ गए सन, अब हमने भेद विज्ञान कर लिए, तेरे बिना शरीर भी चलेगा गुड़ के बिना और आत्मा भी चलेगा, ऐसे हर चीज में लगा लेना, गुड़ तो एक एग्जाम्पल ले लिए, वही वही घुमा रहे, ऐसी उत्कृष्ट धारा नहीं चली तो बेकार। मिथ्या दृष्टि को टोडोमल जी क्या लिखा पता है, पहले सुन लो, पहले लिख लेना कोई बात, मिथ्या दृष्टि को टोडोमल जी क्या लिखा है, उसके व्रत उपवास और मुनि दशा को, भगवान तराय का उदय है। एक अमीर भोगांतराय का उदय आया तो मुनि बनने के भाव आया, उसे इतनी बड़ी संपदा का भोग नहीं कर पा रहा, छोड़ के जा गया, भोगांतराय का उदय, विजय नहीं भोगांतराय की, समझ आए क्या कह रहे, विजय नहीं, विजय नहीं हुई, भोगांतराय का उदय है, इसलिए हाँ इसलिए ऐसी बुद्धि हुई, हम नहीं पहन रहे, गुस्सा में कई बार अच्छे कपड़ा भी नहीं पहने ना आदमी, घर में मम्मी के बेड़े जी अच्छे कपड़े हम नहीं पहनने, और उसका भोगांतराय का उदय ऐसी बुद्धि हो गया, हमें नहीं पहनने, हम तो जी कपड़े अच्छे फटे पुराने, भोगांतराय का उदय कहा है, उपवास के दिन उसके भोगांतराय का उदय, इसलिए भोजन नहीं कर रहा। ओहो अब सोचो क्या दम रही इन चीजों में, वो कितनी दम है इधर। अब लिख लो जी, तुम पहले का लिखना, अब लिखना, लिख लो। अरे मोह आतंकवादी है, इसने हमें मुनि बनने से रोक रखा है, मोह को जीतो, क्रियाओं को मत कर, क्रियाओं के बारे में कल परसों भी कहा था आपसे, कोई भी भावुकता में क्रिया का त्याग मत करो जी। पहले क्रिया में सुख है या नहीं ये नक्की करो, तो पहले सुख बुद्धि छोड़ो, पंचम गुण स्थान में अनदंड छोड़ो, आगे गुण स्थान में उसकी त्याग करो, तीन गुणस्थान की बात करी, कोई भी क्या होता है कि मित्र से मिलने में बड़ा राग आ जाता है, इसलिए मित्र से मिलेंगे ही नहीं, बस कच्ची पर भी नहीं पड़ेगा, नहीं मिलोगे तो
ये बताओ कि मित्र से क्या सुख होगा अपना, महात्मा का क्या सुख होने वाला है, ये बताओ मित्र से। सुख नहीं, मिल लो, बात कर लो, अनर्दन मत कर, अनर्दन मत कर। अब तुम अनर्दन छोड़ना है बोलो, मेहनत लगेगी, 6 महीने लगेंगे कम से कम। सुगुदी तो चलो पहले छोड़ दो, मतलब सुगुदी होगी, इसके बाद अनर्दन छोड़ने में मेहनत लगेगी 6 महीने। जैसे आपने इतना ही बोला ना, और क्या हाल चाल है जी, अनर्दंड हमें भी मालूम, वो यही कहेगा कि सब ठीक है। जी अनर्दंड, आपने काम की बात जितनी होती का भैया सुनो, वो हमें किताब चाहिए थी, कहाँ भेज रहे, कैसे भेज रहे, ठीक खत्म बात खत्म। और मम्मी क्या कर रही, पापा क्या कर रहे, और कहा बनो तो आज, हमने तो आज लस्सी पी, अरे समझ गया अनर्दन छोड़ना। फिर तब तो मुनि बन पाओगी, तब क्रिया छूटेगी, और क्रिया छोड़ने पर भी बंध नहीं छूटता। क्या कहा, और इसलिए वो आप जो लोग त्याग कर दिए इधर ही अकुलाते रहते, अकुलाते माने अनर्दंड, इधर से तो छोड़ दिया, यहाँ अकुलाते रहते जी अनर्दंड। कितने अकुलाते बोलो भैया, रोटी देना, एक विकल्प में काम खत्म हो गया, ये उपयोगी बात हो गई। अब मांगने का त्याग कर दिए, मांगने का त्याग कर दी, क्रिया छोड़ दी, अब कितना खतरनाक हो गए बोलो, मांगने का त्याग कर करते थे, आवाज समझ में नहीं आई, बिल्कुल नहीं समझ में आई, क्योंकि गुओं की भाषा तो एक जैसी होती है, मौनियों की भाषा एक सी नहीं होती, क्यों जित हर मौनी अलग अलग प्रकार से बोलता है। गूंगे को तो सिखाई जाती है, गूंगों की तो पढ़ाई होती है। तो एक ही जैसी एक्टिंग करेंगे, जैसे तेनालीराम में ना राजा का नाम जब भी आता ऐसे करती है, मतलब हर बार मैंने ऐसे नहीं कपोल कल्पित कर रही, वो बहुत मेहनत है उसमें, उसे हर बार राजा का नाम आने पर ऐसे ही एक्टिंग करके दिखानी है, उन्हें कितना दिमाग रखना है, बोलना नहीं उसको जी। कितनी एक्टिंग याद रखनी है एक एक चीज की। जितनी बार उसने रोटी या दाल मांगी तो उसका एक्टिंग अलग ही है, हर बार 700 एपिसोड निकल गए मान ली, 750। तो उसे कितना उसे ध्यान रखना है एक्टिंग में, जबकि उसे अभिनेता कोई बार बार लिख के थोड़ी देंगे उसको स्क्रिप्ट, ऐसे ऐसे करना पर, ऐसे ऐसे करना पर, इसको ऐसे करना, बिस्तर करने के लिए ऐसे करना, फलां के लिए ऐसे करना, लिखा थोड़ी वहां, उसे उसे एक्टिंग याद रखनी है। लेकिन हम तो उसका दृष्टान, हमारा मतलब है त्याग मत कर। हमने इनसे एक बहुत साल हुए पहले मोहन पूर्व खा दी, और इशारे बहुत करते थे हम, कि ये हम भी परेशान हो रहे थे, तुम भी परेशान हो रहे थे, तुम तो बोल दो, अब बोलने लगे तो बोलने लगे, पूछो ही मैं, अब हंसी मजाक भी हो जाए, गाना भी हो जाए, फला भी हो जाए, जी जी कार। हम इसलिए कह रहे, इनने हमसे कल परसों पूछा था, हमें मम्मी से मुंह है, बात करने की इच्छा होती है, कल कल कोई बड़ा नहीं, हम त्याग नहीं कर पा रहे, लेकिन अनर्दंड नहीं करना, पूछे इतना ही कहा था, अनर्दंड नहीं करो, अनर्दंड नहीं करो, फालतू बात नहीं करो, मन नहीं लगा रहो, याद आ रही सब कुछ, कोई मतलब ही नहीं, ना उनका प्रयोजन ना अपना प्रयोजन। अब तुम क्या समझते हो पंचम गुण स्थान की ताकत होती तब अनर्दन छूटता है, ऐसे थोड़ी छूट जाएगा, इसलिए हम कहीं मेहनत करोगे, सोचोगे हमें क्या बोलना है, क्या कहना है, और तभी तुम्हारी वाणी में सियादवाद झरेगा। स्वामी बाबू उस दिन बोल रहा था 5 तारीख का वो कार्यक्रम शिक्षक दिवस का, एक बाकी वो 4-5-6 बार रिपीट कर रहे हुए, न पतला भाषा नहीं थी, अब आए नहीं उस दिन के बाद से, नहीं तो 5 ही तारीख हो गया तो 4-5 मतलब नबी तो नहीं भाषा होनी चाहिए, वही वही बात फिर रिपीट, हमने बहुत सीखा, वहां का हर पल याद आता है, बहुत सीखा, बहुत याद आता है, तो क्या याद आता है, अच्छी भाषा बोलो, वहां हमने जो कुछ सीखा वो स्मारक में आने पर हमें बड़ा सहायक,
जी नपतला वाक्य हो गया। जो चरित्र निर्माण हमारा वहां हुआ, अब यहाँ हम यदि टॉप हुए हैं या कुछ अच्छा चरित्र का पुरस्कार मिला है, वो हमारा सोनगढ़ की छात्रावास की देन है। उन गुरु ने जो हमें एक थप्पड़ मारा था उस दिन के बाद आज तक मैंने वो गलती नहीं की, उनका थप्पड़ मुझे हमेशा याद रहेगा। ऐसे बोले ना पता सो तो अच्छी भी लगे, कुछ कुछ सुनना उस दिन की रिकॉर्डिंग हो। हमारा मतलब बोलना सीखो, तब प्रवचन कर पाओगे। और ये सब स्वरूप समझने पर होगा, तीसरी स्टेप पर त्याग होगी क्रिया होगा। हम पहली क्रिया पे पहले नंबर में क्रिया त्याग देते हैं। समझ रहे, ब्रह्मचर्य लेने में भी तीसरे नंबर पे आके क्रिया त्यागी जाएगी। अब क्रिया छोड़ दी इसलिए अकुलाते रहते हैं अनर्थ, और हमने ब्रह्मचर्य ले लिया, ब्रह्मचर्य ले लिया, मरे जा रहे अकुला रहे। वही तो अनर्थ छोड़ो ना पहले। हम हमेशा कहते हैं आप ब्रह्मचर्य को कैसे जीतोगे, मैंने आप ब्रह्म को कैसे जीतोगे, तो उसकी स्टेप लिखो। अभी तक किसी लिख के नहीं होता है, किसी बताते ही नहीं, हजारों बार कही होगी जेट, और इसलिए फैल के फैल 33 साल फैल क्यों, इसीलिए फैल। हम कहते हैं खूब प्यार से समझाते, लेकिन होना नहीं तो समझ में नहीं आती। अब कहा लेकिन आप ही लिख दो, हमने हम लिखे तो हम आप ही है, तुम लिखोगे तो मैं होगी, हम कहा बात है। हमने तो लिख लिया, हमारी तो कापी लिखी रखी ना, हम तो लिखने के बाद बात कर रहे हैं आपसे। हमारे लूज कॉन्फिडेंस थोड़ी तुम हमारे संग बात करने में, और स्पष्ट वक्ता है। तीसरे नंबर पे जाके छूटेगा, तुमने अनर्थ छोड़ो, कौन कौन से अनर्थ छोड़ोगे, सोरे टीवी तुम देखेंगे तो फिर नहीं जीत पाओगे, कहूँ नहीं जीत पाओगे, सील की नवाड़ हम तो तोड़ेंगे। हमारा मन तो अच्छा है, जब मन अच्छा है, मन ने कह दी तुम्हें अच्छा है, जिनकी प्रवृत्ति छूट गई उनका मन अच्छा होता है। तीसरे नंबर पे जब छठे सातवें गुण स्थान आता तब होता है मन, तुम्हारे कहां से मन अच्छा होगी। क्या यहां से विचार हो गया, समझ में आएगी जी, समझ में आ रहा है कुछ। हर चीज में घटाव है, जैसे एक का त्याग बताए यहां से सबका घटाव, त्याग का प्लान मत बनाओ। तीसरे में त्याग होता है, पहले नंबर में सुख बुद्धि जानी चाहिए, दूसरे में हाँ पांचवे गुणस्थान में अनर्थ दंड जाता है, दूसरी स्टेप पर अनर्थ दंड जाएगा, और छठे सातवें गुणस्थान के लिए फिर प्रवृत्ति का त्याग होता है। अब ऐसे करेंगे ना सब परेशान, इसीलिए सब ब्रह्मचारी भी इसलिए परेशान, इमोशनल हो गए, तीसरे स्टेप का काम पहले कर दिया। अब जिस समय ज्ञान होगा तो आप ऐसे सोचो, तभी आपको कहोगे ब्रह्मचारी गंभीर है। अब आपको मुंह से निकल ब्रह्मचारी, अभी हंसी में मजाक से लगता है, अरे वहां हम शादी नहीं करी, हंसी मजाक बना दिया आपने ब्रह्मचारी, शादी विवाह होने का कितना बढ़िया लाइन है, पर स्त्री त्याग मात्र से तो ब्रह्मचर्य नहीं होता है। पर स्त्री नहीं है, पर छोटा नहीं है, बहुत पर स्त्री नहीं का अलग अलग है संधि, संधि नहीं है, पर संग त्याग मात्र से तो ब्रह्मचर्य नहीं होता है ना, परिग्रह नहीं, परमाणु परिग्रह नहीं, संग परंतु स्त्री त्याग मां से तो ब्रह्मचर्य नहीं होता, परंतु स्त्री त्याग मां से परिग्रह नहीं होता, वो ब्रह्मचर्य नहीं होता है। क्यों सोचो, परिस्थिति का त्याग करने से नहीं होता तो स्वस्थिति का त्याग, तो स्वस्थिति तो रहेगी ना वहां। यदि परिस्थिति के त्याग से ब्रह्मचर्य हो जाए, इसका क्या मतलब निकला, स्वस्थिति हाँ तो ब्रह्मचर्य हो गया, यहां से अर्थ विचार करना पड़ेगा। फिर तब तो घटा के पढ़ना सीखना चाहिए ना, अब समझ में आएगी तो कैसे पढ़ाई होगी गहराई से, नहीं तो संसार ऐसे कैसे तैर जाओ बेटे। इसलिए हम 5 साल कहते हैं हमारे पढ़ा अभ्यास कर लो, फिर तुम खुद शादी कर लो, जो तो हम तो 5 साल किसी को नहीं रोकना चाहते हमारी पूरी, लेकिन हमारे 5 साल में ऐसे रह जाओ, मजबूत कर दे, घड़ा पका के दे दें। कहीं चलाया फिर तो जाने की इच्छा
ना जो तुम्हारी मर्जी पर स्त्री कितने सुंदर है। अब काय का अर्थ किया पता है इतना नहीं, भाव रूप है इसका अर्थ किया है तुझे। हाँ, जो जो सुख तुम्हें चाहिए वो सब भाव स्वरूप है, जो जो दोस्त तुम्हें मिटाने हैं भी सब अभाव स्वरूप है। इतनी गंभीर चर्चा है, जो जो तुम्हें सब कुछ चाहिए वो सब भाव स्वरूप ही है, और जो नहीं चाहिए उसका अभाव ही है। समझ आए, अभी नहीं समझ आया कुछ? स्त्री के त्याग से ब्रह्मचर्य नहीं होगा, तुम ब्रह्म स्वरूप ही हो। हाँ, और स्त्री का त्याग नहीं करना, स्त्री का त्याग स्वरूप ही हो। अभाव स्वरूप है, देखो अभाव स्वरूप है ना। हाँ, अब बहुत स्थूल सोच रहे हो, हम सूक्ष्म कह रहे हैं। स्त्री के होने पर भी अभाव स्वरूप ही है। जो ब्रह्म स्वरूप देखते हैं उनका ब्रह्म कौन खंडित कर सकता है? स्त्री का त्याग नहीं करना, त्याग स्वरूप ही है। अभी तुम क्या लगा, कैसे भी छूट जाए, कैसे भी छूट जाए, तुम ब्रह्मचारी ले रहे, कैसे छूट जाए, पूरी ताकत तुम वहां लगा रहे। अरे छूटे हुआ देख, कपड़ा छोड़ने का नाम मुनि जैसा नहीं है, कपड़ा से अभाव स्वरूप देख रहे हैं, इसका नाम मुनि दशा है। इसीलिए सुनना ध्यान से, इसलिए कोई मुनिराज पर वस्त्र डाल जाए उन्हें विकल्प तक नहीं आने, क्योंकि वस्त्र रही नहीं दिख रहा। नहीं समझ में? वस्त्र त्यागने का नाम मुनि दशा नहीं है, वस्त्र रहित ही दिख रहा है। अभाव स्वरूप, अभाव स्वरूप है ना, अभाव स्वरूप ही। इस जब अच्छा ही बात है, जब वस्त्र का अभाव ही दिख रहा है तो कहा हटाए और कौन हटाए? हमने ग्रहण कब किया, हम हटाए क्यों? समझ आया? जल्दी जल्दी बोल रहे, कुछ ग्रहण किया ही ना, हटाए कौन? इसीलिए नहीं हटा। अब सोचो थोड़ा, अब द्रव्यान युग से भाव भाव चल रहे, तुम कह रहे ग्रहण त्याग, ग्रहण त्याग शून्य हूं, त्याग उपादान शून्य हूं। इस स्वरूप है त्याग उपादान शून्य भैया। मोह कब छोड़ोगे, कब छोड़ेंगे? ग्रहण ही कब किया था? माना था, ओ माना था, ग्रहण नहीं किया था। तुम्हारा घर कहाँ है? बंबई में है क्या? माना था, वो एक कमरा है माना था। तुम्हारा कहाँ था? रह रहे थे तुमने मान ली। तुम्हारा घर कहां से हो गया? किराया देते हो तुम, मान लो किराया दे रहे, तुम्हारा घर कहां से हो गया? अब मान लिया ना, हम किराए से रहते हैं तो हमारा घर ऐसे तुम्हारा, तुम हो कैसे गए? मुनि दशा समझ आ रहा है? मुनि दशा अभाव स्वरूप हो हम, अब इतनी तैयारी होगी तब मुनि दशा आएगी, तब ब्रह्मचर्य आएगा। दिन रात लड़ाई होते रहे, लड़ाई होते रहे, हम कहा बताए, हम कैसे पाले, हमें पढ़ना नहीं। आज सुबह चली थी चर्चा, सुनना बहुत अच्छी चर्चा, कल सुबह की भी आज की भी, सुबह की अच्छी चर्चा दोनों, बहुत सीरियसली सुनना। वो तो सामने रहो तो कोई मजा अलग है, वो तो विचार सुधारने की कोशिश मत कर, अभाव स्वरूप देखोगे विचार सुधर जाए। अभाव स्वरूप नहीं देखो विचार भटकेंगे, भयंकर भटकेंगे, भयंकर। क्रिया का त्याग करने वाला अनंत दुखी होता है, क्या कहते हैं? क्रिया के त्याग से कोई सुखी नहीं होता। ये तो मन बहलाने के लिए कह लेते, वो घर छोड़ दिया तो अच्छा है, घर में तो टाइम नहीं मिलता, और कट कट बहुत है, और फिर वो GST और व्यापार धंधा बहुत आफत है, हम बच गए, ये मन बहलाने के लिए सोचता है वो। आत्मिक सुख को नहीं पाता, मैंने भाव स्वरूप सुख को नहीं पाता, छोड़ यही तो अभी चल रहा है, वही तो तुम गलत समझ रहे अभी। जो अभाव स्वरूप देखेगा उसका छूटेगा, अभाव स्वरूप नहीं देखेगा नहीं छूटेगा। अभाव स्वरूप देखेगा तो छूटेगा। अब मिथ्यात क्या है इसमें? इसमें मिथ्यात क्या हो गया कि भाव स्वरूप को अभाव स्वरूप अनुभव करता है और अभाव को भाव स्वरूप अनुभव करता है।
उसका उत्तर आ गया कि दो छंद वो आ गया, दो पॉइंट है ना उसमें आ गया। अभी तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो? जो भाव स्वरूप प्रकट होता है उसे अभाव में से मानते। चारित कहां से आता है? कपड़ों के त्याग में से। चारित कहां से आता है? शरीर को ठंडा गर्म रखने से, धूप सहने से। वो तो अभाव स्वरूप भले आज तुमने कैसे मान लिया, ये तो मिथ्यात हो गया। चारित को आप अभाव स्वरूप में से कैसे मान रहे हो? जो तो ऐसी बात हो गई, दूध में शक्कर डाली और चम्मच घोली, क्यों चम्मच का स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं, अच्छे से मीठा हुआ होगा, हमने सोने की चम्मच घूमा ही तो मिठास तो काय में से आ रही थी, और वो काय का गर्व अनुभव कर रहा, हमने सोने ही घोली, हमने सोने ही घोली। तुम भी इसलिए खुश हो रहे, अरे हमारे कितनी इज्जत ले हो, सोने की चम्मच से दूध घोला उन्होंने, सोने के गिलास में दिया, वो तो अभाव स्वरूप है। दूध में जितनी मिठास और स्वाद आया है वो गिलास और सोने का नहीं आया, वो तो शक्कर में से आया। जैसे मैंने कितना अच्छा आचरण किया, सोने का गिलास है। कितना त्याग किया, बैराग किया, शरीर किया, जो भी किया वो तो सोने का है, अभाव स्वरूप कहा ना। अब ना इसे अज्ञानी को ना भाव का पता है ना अभाव का पता है। दृष्टांत तो सुने होंगे, ऊंटों का दृष्टांत सुना, ऊंटों को बांधने के लिए कुछ नहीं था तो ऐसे कर दिया, तो अभाव ये ना अभी तक है क्या? वो खूटे से बंध गया, वो बंध गया है ही नहीं। बताओ अभाव होने पर भी बंधा है कि छूटा है? छूटा अभाव है ना, रस्सी का अभाव ही है क्या? रस्सी टटोल के तो देखो है ही नहीं, वो क्या सोच रहा है मैं बंध गया हूं, अब जी रस्सी खुले तब मैं छूटू। ऐसी जीव तो अनादि अनंत भाव स्वरूप ही है, और जहां से बंधन और मानना खुलना छूटना मान रहा है, राग देश मान रहा है, पत्नी कारण राग हो जाता है, पत्नी कारण देश हो जाता है, दुकानदारी मारे परेशान है, और कहा बताए हम बहुत परेशान है, अरे अभाव स्वरूप देख एक सेकंड में आनंद हो गया है। कहां रस्सी, कितनी रस्सी से बंधे, तो कितनी रस्सियों से बंधे बता, यही नहीं अभाव स्वरूप, अभाव स्वरूप मैंने है ही नहीं। ऐसे पर से सुख दुख का संबंध नहीं, पर से सुख तो लिस्ट ना हो। पंडित साहब ऐसे दृष्टांत देखिए, बोले हम पत्नी से बंधे, गृहस्थ लोग कहते हम पत्नी से बंधे, हम क्या करें फैक्ट्री से बांधे, तुम तो फ्री हो हम बांधे, तो पंडित किधर बांधे बता, ये अच्छी कहां से तो बैठे फैक्ट्री में, कहां रस्सी बता, अगर तुम मर जा तो कब खींचे ऐसे बंधे रहोगे यहीं, और क्यों फिर जो कोई तुम्हें ले जाएंगे मरघट पर शरीर को, आत्मा तो आत्मा भी नहीं बंधा और शरीर भी नहीं बंधा, मंगल रस्सी वस्सी खोल भी जाएंगे, कहा बता ये फैक्ट्री से बंधी, तो कहाँ बंधो शरीर भी नहीं बंधो आत्मा भी नहीं बंधा, तुम जरूर परेशान, अभाव स्वरूप को नहीं जान के परेशान। कुछ समझ में आया ना, इतनी बड़ी गृहस्थी, छह खंड, छह या रानी, ये भगवान कितने बंधी, कैसे छोड़े कैसे छोड़े, ये एक सेकंड अभाव स्वरूप देख बस। कुछ सूक्ष्म है दृष्टांत, फिर पंडित साहब समझाने की दृष्टांत देते कि जब वो गठबंधन हुआ था शादी के टाइम, वो पत्नी ने तो उसी समय खोल दिया था। नहीं मालूम, नहीं मालूम, वही गांठे बांधते ना कंगन बांधते था, फिर वो लड़की लड़के को छोड़ देती है और लड़का भी छोड़ देता है, दोनों एक दूसरे से छोड़ती हूँ, शादी के बाद प्रोग्राम होता है, भावरे होती है उसके बाद प्रोग्राम होता है, वो दोनों एक दूसरे मुक्त कर देती है, हाँ खोल देते हैं, उसका मतलब ये तुम जब चाहो दीक्षा लेके चले जाओ, हाँ हमारी तरह से कोई बंधन नहीं था पत्नी के लिए, हाँ इसलिए सीधा ही चली गई। उसमें माने संकेत है, ये संकेत सात गांठे बांधते मोक्ष में नहीं जा पाओगे, सात गांठे बांधेंगे। खेल नहीं है, आप नहीं समझते वाला प्रतीक है उसका। और स्त्री क्या कहती है कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने हमारे रिश्तेदारों ने बांधा है हमें,
माने जो गांठ बांधते ना, तो जीजा जी बांधते हैं, फूफा जी बांधते, लड़के का फूफा जी, लड़के की जीजा जी जो होते हैं गांठ बांध जाते, ऐसे लड़की को भी उधर बांध जाते। तुम्हें हमारे रिश्तेदारों ने बांधा है, उनकी बातों में मत रहे ना, चक्कर मत है ना, हम खोल दे रहे जाओ। जम्मू स्वामी चले गए, जम्मू स्वामी चले गए। पंडित साहब कहते हैं, अरे तुम कह रहे हो बंदी कहाँ बंदी हो ये तो बता पाना, तो छोड़ दो दिक्कत है, तुम यहां से बंदी हो दिक्कत है। सच कह रहे, एक एक शब्द कितना काम का है, भाव शक्ति अभाव, भाव स्वरूप हो अभाव, भक्ति भगवान की भक्ति है। अब दिक्कत है इसके गहरे में नहीं जाते, सो फिर भाई पहुंच जाता वो, कहा करें, करना तो पड़ेगी, ऐसा तो है, बंधे तो है, कहा बंधे, कौन से बंधे, मृत्यु आएगी, कौन कौन छोड़ाएगा तुम्हें, अपने आप ही छूट के चले जाते, शरीर भी और आत्मा भी। सही बताए, विश्व कोई किसी से नहीं बना, ऐसा अभाव स्वरूप अनुभव करो निर्विकल्प। ये बहुत स्थूल व्यवहार है, पत्नी को छोड़ा, पत्नी को नहीं छोड़ा, इसका अर्थ है पत्नी से छूट कर चले गए। श्याम रानी को कैसे छोड़ा हुआ, क्यों श्याम रानी मीटिंग बुलाई होगी, एक एक से बात की हो भैया, एक एक से करी होगी बात। एक एक से बात नहीं की, चलेगा अरे मुक्त तो था ही, अब काल लब्धि आ गई, मैं चला गया, मुक्त तो था ही, शादी होने पर भी बंधा नहीं था मैं, लेकिन आज काल लब्धि आ गई, अब हम जा रहे। लगा दिया हर चीज में लगा, कैसे अब बोले भाव भाव कैसा है, कितना सुंदर भाव भाव है, रत्नत्र से लेकर मोक्ष तक की पूरी बातें बता दी आपको, मुनि जैसा सब बता दिया सब। अब इन शब्दों में फिर पढ़ो, और पहले पढ़ा था कैसा लग रहा है, बोला भाव स्वरूप हो अभाव स्वरूप, भक्ति आ रही भगवान की। करना विचार, अब दो हो रहे सब कल करेंगे।